गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, दिस इज़ द क्लास 9, सब्जेक्ट सोशल साइंस एंड दिस इज़ द चैप्टर 3 ऑफ जियोग्राफी एंड द टॉपिक इज ड्रेनेज एंड दिस इज़ द लेक्चर 5. स्टूडेंट, फर्स्टली वी विल रिकॉल प्रीवियस लेक्चर. एंड स्टूडेंट, यू नो ड्रेनेज सिस्टम मीन्स द रिवर सिस्टम ऑफ एन एरिया. इन इंडिया देर आर 2 रिवर सिस्टम, हिमालय रिवर एंड पेनिनसुला रिवर. हिमालय रिवर ओरिजिनेट फ्रॉम हिमालय एंड दे फ्लो नॉर्थ टू साउथ. हिमालय रिवर्स आर पेरिनियल एंड दे फ्लो थ्रू आउट द ईयर. दे कैरी लार्ज अमाउंट ऑफ सैंड एंड सिल्ट एंड दे कवर लॉन्ग डिस्टेंस फ्रॉम देयर सोर्सेज टू द सी. एंड द स्टूडेंट, हिमालय रिवर सच एज गंगा, इंडस एंड ब्रह्मपुत्र. एंड गंगा रिवर इज द लॉन्गेस्ट रिवर इन इंडिया. एंड द पेनिनसुलर रिवर्स आर सीजनल and they totally dependent on rainfall and they cover short distance compared than Himalaya river. And some peninsular rivers are east flowing and some west flowing river. West flowing rivers are Narmada and Tapi and they drain into Arabian Sea. And the west and the east flowing rivers are Godavari, Krishna, Kaveri, Mahanadi and drain into Bay of Bengal. And Godavari river is also called Dakshin Ganga and its length is 1500 kilometer. So student, let's start our lecture. And today we will learn about lakes and importance of lakes. Second, we will learn about the importance of river. And last, we solve some question. That question I have assigned in previous lecture. So student, let's start our lecture. And student, a lake is a body of water surrounded on all sides by land. Means a large area of water surrounded by land is called lake. And seas means large extent of lakes are called sea. And some example of seas, the Caspian Sea, the Dead Sea and the Aral Seas. लेक्स का जब एरिया वाइड हो जाता है उसको बोलते हैं सी. सीज जो होता है उनका एरिया काफ़ी बड़ा होता है. जो सी का वाटर होता है वो मोस्टली सॉल्टी होता है. और आपको पता है ऑन द अर्थ 90% वाटर, 97% ऑफ वाटर इज सॉल्ट वाटर एंड 71% ऑफ द वर्ल्ड सरफेस इज कवर्ड बाय वाटर. And 97% water is salty water and only 3% is water is fresh water. Okay, and some seas are Caspian, Dead and Aral Sea. And next we learn about the importance of lakes. Tourist center and enhances natural beauty. Student, an habitat of aquatic life and helps to regulate the flow of water. Student, lakes add to the beauty of the nature and they are the sources of attraction for the tourist. And it provide the habitat for aquatic life and it help to regulate the flow of water. And during heavy rain, this help to maintain the flow of water. Student, lakes हैं. एक तो lakes के आसपास जो area होता है वहाँ जो beauty होती है बहुत ज़्यादा, वहाँ जो area होता है बहुत सुंदर होता है. tourist आते हैं वहाँ घूमने फिरने के लिए, tourist center कहा जाता है. और जिसकी वजह से lakes में बहुत सारे जो पानी में रहने वाले जीव जंतु उनको क्या मिलता है वहाँ पे, उनके लिए क्या होता है हैबिटेट प्रोवाइड करता है लेक्स. और जो लेक्स हैं वो क्या करता है पानी का फ्लो को क्या है रेगुलेट बनाए रखता है. लेक्स की वजह से जब हम कई बार फ्लड आ जाते हैं या कई बार ड्रॉट हो जाता है तो जिसकी वजह से क्या है लेक्स क्या है वाटर प्रोवाइड करता है. इट हेल्प टू रेगुलेट द फ्लो ऑफ वाटर एंड प्रिवेंटिंग फ्लडिंग एंड सप्लाईज वाटर ड्यूरिंग रेनी सीजन. यूज फॉर डेवलपिंग हाइड्रो पावर एंड दे मॉडरेट द क्लाइमेट ऑफ द सराउंडिंग. स्टूडेंट, during heavy rainfall these preventing flooding and during the dry season these help to provide water. Okay, and it can also be used in
प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी, लेक्स के जो वाटर है उसकी वजह से हम क्या है वहाँ से पावर को जनरेट किया जाता है, जो उस जो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट किया उसको फिर क्या है आसपास के एरिया में सप्लाई किया जाता है। और क्या होता है लेक जब क्या होता है ओवर रेन्यू हो जाती है, यानी कि हैवी रेनफॉल होने की वजह से ये फ्लड आने को क्या करती रोकती है। जो फ्लड जो ज़्यादा बारिश होती है तो झील में वो सारा पानी क्या होता है वो इकट्ठा हो जाता है, तो इसकी वजह से जो है एरिया में क्या है फ्लड नहीं आ पाती, जिसकी वजह से ये क्या करता है इट प्रिवेंटिंग फ्लडिंग एंड सप्लाइज वाटर ड्यूरिंग ड्राई सीजन। और क्या होता है कई बार पानी की कमी होने की वजह से शॉर्टेज होने की वजह से तो झील के पानी को भी क्या है प्यूरीफाई करके यूज़ किया जाता है, हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी का इसमें जनरेट किया जाता है, और आसपास का जो क्लाइमेट है वो क्या होता है मॉडरेट होता है। तो लेक्स के बहुत ज़्यादा बेनिफिट हैं, दीज आर द करेक्टरिस्टिक ऑफ लेक्स। एंड नेक्स्ट वी सी द सम लेक्स एंड रिवर्स, एंड यू नो दिस एरिया इज कॉल्ड हिमालय रिवर एंड दिस एरिया इज कॉल्ड पेनिनसुला रिवर एंड इंडस रिवर ओरिजिनल फिर मानसरोवर लेक एंड एंटर इंटू जम्मू कश्मीर दर इंटू पाकिस्तान एंड ड्रेन इंटू अरेबियन सी एंड द गंगा रिवर ओरिजिनल फिर उत्तराखंड एंड इट पासिस फ्रॉम यूपी बिहार झारखंड एंड वेस्ट बंगाल एंड ड्रेन इंटू बे ऑफ बंगाल एंड द स्टूडेंट ब्रह्मपुत्र रिवर इट ओरिजिनल फ्रॉम नियर मानसरोवर लेक एंड इट फ्लो ईस्टवर्ड एंड इट फ्लो पैरेलल टू द माउंटेन ऑफ नामचा बारवा एंड एंड इट टेक्स यू टर्न फ्रॉम अरुणाचल प्रदेश एंड एंटर इंटू असम एंड एंटर इंटू बांग्लादेश एंड ड्रेन इंटू बे ऑफ बंगाल एंड सम पेनिनसुलर रिवर्स आर नर्मदा एंड तापी। नर्मदा रिवर ओरिजिनेट फ्रॉम मध्य प्रदेश एंड नर्मदा एंड तापी फ्लो पैरेलल टू ईच अदर एंड दे दीज रिवर्स आर वेस्ट फ्लोइंग रिवर्स एंड दे ड्रेन इंटू अरेबियन सी एंड गोदावरी रिवर ओरिजिनेट फ्रॉम नासिक डिस्ट्रिक्ट ऑफ महाराष्ट्र एंड इट्स लेंथ इज 1500 किलोमीटर एंड इट इज़ कॉल्ड दक्षिण गंगा एंड गोदावरी रिवर कवर पार्ट्स ऑफ महाराष्ट्र मध्य प्रदेश आंध्र प्रदेश उड़ीसा एंड ड्रेन इंटू बे ऑफ बंगाल एंड द कृष्णा रिवर ओरिजिनेट फ्रॉम महाबलेश्वर एंड देन इट कवर पार्ट्स ऑफ कर्नाटक आंध्र प्रदेश एंड ड्रेन इंटू बे ऑफ बंगाल एंड कावेरी रिवर ओरिजिनेट फ्रॉम ब्रह्मगिरी रेंज ऑफ वेस्टर्न घाट एंड इट कवर पार्ट्स ऑफ केरल कर्नाटक एंड तमिलनाडु एंड ड्रेन इंटू बे ऑफ बंगाल एंड द महानदी रिवर ओरिजिनेट फ्रॉम छत्तीसगढ़ एंड इट ड्रेन इंटू बे ऑफ बंगाल एंड कवर पार्ट्स ऑफ छत्तीसगढ़ झारखंड एंड उड़ीसा एंड ड्रेन इंटू बे ऑफ बंगाल एंड स्टूडेंट सम लेक्स आर जिन जम्मू कश्मीर वूलर लेक आर सिचुएटेड। हेयर इज वूलर लेक एंड इट इज़ ए फ्रेश वाटर लेक। सांबर लेक इज सिचुएटेड इन राजस्थान, इट इज़ सॉल्टी वाटर लेक। तुंगभद्रा लेक इज सिचुएटेड इन कर्नाटक, हेयर इज कर्नाटक एंड हेयर इज तुंगभद्रा लेक। एंड द कोलूरू लेक इट इज़ सिचुएटेड इन तेलंगाना, ओके हेयर इज कोलूरू लेक। एंड पुलिकट लेक इज सिचुएटेड इन आंध्र प्रदेश एंड चिल्का लेक इट इज़ ए सॉल्टी वाटर लेक एंड इट इज़ सिचुएटेड इन उड़ीसा, ओके एंड हेयर इज सम डैम। हेयर इज भाखड़ा नंगल डैम, हेयर इज सिचुएटेड इन पंजाब। राणा प्रताप सागर डैम सिचुएटेड इन राजस्थान, हेयर इज राणा प्रताप सागर डैम सिचुएटेड इन। एंड द नागार्जुन सागर डैम सिचुएटेड इन आंध्र प्रदेश, ओके एंड हीराकुड डैम सिचुएटेड इन उड़ीसा, ओके तो दीज आर द रिवर्स एंड लेक्स एंड सम डैम्स ऑफ इंडिया। नागार्जुन सागर डैम इज सिचुएटेड इन आंध्र प्रदेश। एंड नेक्स्ट टाइप्स ऑफ लेक्स। इंडिया हैज़ मैनी लेक्स एंड दे डिफर फ्रॉम ईच अदर इन वराइटी ऑफ वेज। सम लेक्स आर परमानेंट, सम कंटेन वाटर ओनली ड्यूरिंग रेनी सीजन, सम रिवर्स आर सॉल्टी वाटर लेक्स एंड सम आर फ्रेश वाटर लेक्स। स्टूडेंट हमारे इंडिया में बहुत सारी लेक्स पाई जाती हैं, बहुत सारी लेक्स हैं जो एक दूसरे से उनमें क्या है उनके कंटेंट में क्या है उनके साइज में लेके उनका है डिफरेंट टाइप से पाई जाती हैं। कुछ लेक्स क्या होती है परमानेंट होती है जिनमें क्या होता है हमेशा पानी रहता है, परमानेंट रहती हैं ये। और कुछ में जो पानी है वो क्या है केवल बारिश के दिनों में ही एक्युमुलेटेड होता है, तो वो क्या होता है रेनी सीजन में ही वो क्या होती हैं उन्हें पानी रहता है।
कुछ रिवर सॉल्टी वाटर होती हैं, जैसे कि सांबर लेक और चिल्का लेक, वो सॉल्टी वाटर है। फ्रेश वाटर लेक जो होती हैं, जो मोस्टली जो हिमालय रीजन में होती हैं, जिसमें क्या है ग्लेशियर जो मेल्ट होता है, तो वहाँ ग्लेशियर से जो ग्लेशियर पिघलने की वजह से जो पानी बनता है, उसकी वजह से जो जो लेक्स में पानी एक्यूमुलेट होता है, उसको बोलते हैं फ्रेश वाटर लेक्स। सो ओके, तो दिस आर द टाइप्स ऑफ लेक। सम वाटर, सम आर सॉल्ट वाटर लेक, सम आर फ्रेश वाटर लेक, सम लेक्स आर परमानेंट, सम लेक्स आर सीजनल। ओके, एंड नेक्स्ट, ऑन द बेसिस ऑफ फॉर्मेशन लेक्स आर फॉर्म्ड ऑन फोर बेसिस। फर्स्ट इज ग्लेशियर लेक्स, सेकेंड ऑक्सबो लेक्स, एंड थर्ड लेगून्स लेक्स, एंड फोर्थ इनलैंड ड्रेनेज लेक। स्टूडेंट, जो लेक्स है उसके फॉर्मेशन भी अलग अलग हैं कि कैसे कैसे फॉर्मेशन हुई है। फर्स्ट है ग्लेशियर, हिमालय में जो आपको पता है हिमाद्री वाला जो पार्ट है मोस्टली क्या है स्नो बाउंड है, यानी वहाँ पे हमेशा क्या रहती है स्नो रहती है, तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा ग्लेशियर ने ग्लेशियर जब क्या होते हैं मूवमेंट करते हैं, ग्लेशियर जब मेल्ट होते हैं तो मेल्ट होने की वजह से जो वहाँ पे ज़मीन होती है उसमें क्या होते हैं लेक्स बन जाते हैं, तो उसको बोलते हैं ग्लेशियर लेक। ऑक्सबो लेक आपने पढ़ा हुआ है, ऑक्सबो लेक जो यू शेप्ड वैली होती है, जब रिवर्स अपर कोर्स से डाउन कोर्स पे आती है यानी कि लोअर कोर्स पे आती है तो शेप बनाती है, मेंडल्स बनाती है, तो कुछ जो रिवर्स का कुछ पार्ट जब मेन रिवर से अलग हो जाता है, एक एक अपनी सेपरेट लैंड बॉडी बनाता है, उसको बोलते हैं ऑक्सबो लेक्स। एंड लेगून्स लेक्स क्या होता है, जब समुंदर से यानी जब मेन सी से जब कुछ पार्ट उनके बीच में कोराल रीफ आने की वजह से या सैंड एक्यूमुलेट होने की वजह से सी का कुछ वाटर मेन सी से अलग हो जाता है, तो जो अलग पार्ट में बनता है उसको बोलते हैं लेगून लेक्स। इनलैंड ड्रेनेज लेक जो हमारे ही लैंड जो कि क्या है जिसमें आते हैं ह्यूमन मेड्स लेक एंड नेचुरल ड्रेनेज लेक, जो हमारे ही इंडिया में जो बनी हुई हैं, जैसे कुछ जो जो कि क्या है ह्यूमन बींग्स के द्वारा बनाई गई लेक, उनको आप कहते हैं इनलैंड ड्रेनेज लेक। तो लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट यू नो, अभी मैंने आपको बताया है कि यहाँ पे वूलर लेक है। वूलर लेक देखिए ये हिमाद्री वाले पार्ट में है, ये वाला देखिए अपर पार्ट में है ये वूलर लेक। ये हिमाद्री जो है वहाँ पे ग्लेशियर मेल्ट होने की वजह से जो लेक हमेशा क्या रहता है इसमें पानी ही रहता है, ये फ्रेश वाटर लेक उसको बोलते हैं वूलर लेक। ये देखिए जम्मू कश्मीर में है, सांबर लेक राजस्थान में, ये जो मेजर लेक्स इन इंडिया सांबर लेक, ओके तुंगभद्रा लेक है ये कर्नाटक में है, ओके उसके बाद आपकी आती है चिल्का लेक है चिल्का लेक है उड़ीसा, ओके कोलूरू लेक ये आता है आपका तेलंगाना, ओके और जो पुलिकट लेक आंध्र प्रदेश, वेम्बनाड लेक है ये है आपकी बेटा केरल, ओके और यहाँ मानसरोवर लेक आपको पता ही है ये चाइना तिब्बत में। तो आपकी जो मेन जो लेक्स हैं वो हैं वूलर लेक है, सांभर लेक है, डल लेक भी आपकी जम्मू कश्मीर में है, वूलर लेक है, सांभर लेक है, ओके और यहाँ पे कुछ डैम भी बने हुए हैं, डैम भी जैसे भाखड़ा नंगल डैम है जो पंजाब में बना हुआ है, जहाँ पे क्या है पांच नदियों के जो रिवर से जो जिसके ऊपर जो डैम बना उसको बोलते हैं भाखड़ा नंगल डैम, जो पंजाब में सिचुएटेड है। हीराकुंड डैम है जो उड़ीसा में है, और चिल्का लेक जो है आपकी उड़ीसा में है, चिल्का लेक इट इज़ द लार्जेस्ट साल्ट वाटर लेक। उसके बाद है नागार्जुन सागर डैम है जो आपकी यहाँ पे आंध्र प्रदेश में बनी हुई है, आंध्र प्रदेश कृष्णा रिवर के ऊपर जो डैम बना हुआ उसको बोलते हैं नागार्जुन सागर है। उसके बाद है आपका यहाँ पे ओके तो सरदार सरोवर डैम है जो आपका गुजरात में है, राणा प्रताप सागर डैम है जो आपका राजस्थान में बना हुआ है उसको बोलते हैं राणा प्रताप सागर डैम राजस्थान में, सरदार सरोवर डैम गुजरात में, ओके एंड भाखड़ा नंगल डैम इन पंजाब में। तो ये दीज आर द सम रिवर्स एंड लेक्स एंड सम डैम्स ऑफ इंडिया। एंड ग्लेशियर लेक्स दीज लेक्स आर फॉर्म ड्यू टू द एक्शन ऑफ ग्लेशियर एंड आइस शीट। ये जो लेक्स जो बनती हैं ये बनती हैं ग्लेशियर की मूवमेंट होने की वजह से बनती हैं, यानी ग्लेशियर जब मेल्ट होते हैं जब आइस शीट मेल्ट होती हैं तो मेल्ट होने की वजह से जो बर्फ़ है वो क्या होती है वाटर में चेंज हो जाती है, जिसकी वजह से यहाँ पे लेक्स बनते हैं। जो लेक्स होते हैं वो मोस्टली फ्रेश वाटर लेक होते हैं, जैसे कि डल लेक, भीमताल, नैनीताल, लॉकटक,
लेक हैं एंड वुलर लेक इज़ द लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक इन इंडिया, और पूरे भारत में सबसे बड़ी जो लेक है, जो फ्रेश वाटर लेक है वो है वुलर लेक। तो जो फ्रेश वाटर लेक है उसके अंदर, उसके अंदर आती हैं वुलर लेक, डल लेक, भीमताल, नैनीताल एंड लोकटक लेक आर द फ्रेश वाटर लेक एंड दे ओरिजिनेट फ्रॉम ग्लेशियर एंड आइसाइट एंड दिस लेक्स आर कॉल्ड फ्रेश वाटर लेक। और ये मोस्टली आपके जम्मू कश्मीर वाले पार्ट्स में ही होती हैं, क्योंकि वहाँ पे जो आपका जो हिमाद्री वाला पार्ट है वो हमेशा क्या रहता है, स्नो बाउंड रहता है। स्नो बाउंड होने की वजह से वहाँ पे हमेशा ग्लेशियर्स में से हमेशा जो पानी क्या करता है, जो हमें बर्फ़ मेल्ट होती है, और बर्फ़ मेल्ट होने से जो पानी है वो क्या होता है, लेक्स में एक्यूमुलेट हो जाता है, जिसकी वजह से लेक्स बनती है, इसलिए इनको कहा जाता है ग्लेशियर लेक। एंड सेकेंड है ऑक्सबो लेक। एंड ऑक्सबो लेक इज ए यू शेप बॉडी ऑफ वाटर दैट फॉर्म्स when a meander from the main stream of a river is cut off creating a freestanding body of water। जैसे बेटे मैंने आपको बताया था कि माउंटेन को क्रॉस करके जब रिवर्स अपर कोर्स से डाउन कोर्स की तरफ फ्लो करती है तो रिवर्स की जो मूवमेंट होती है वो रिवर्स मेंडर्स यानी कर्व शेप जो होती है उसको बोलते हैं मेंडर्स। तो उसमें से जो रिवर्स के मेन स्ट्रीम में से एक स्ट्रीम क्या हो जाती है, अलग हो जाती है, तो उस पार्ट को क्या बोलते हैं, ऑक्सबो लेक बोलते हैं। और जो ऑक्सबो लेक है ये एक फ्री स्टैंडिंग बॉडी ऑफ वाटर है, यानी क्या है, इसकी जो मूवमेंट होती है वो क्या होती है, बिल्कुल अलग होती है, तो इसको बोलते हैं ऑक्सबो लेक। तो इसकी वजह से बहुत सारे क्या, तो इस लेक्स को बोलते हैं ऑक्सबो लेक। सेकेंड है लेगून्स। मोस्टली लेगून्स आर सॉल्ट वाटर लेक्स। लेगून्स होती हैं सॉल्ट वाटर लेक्स होती हैं कनेक्टेड विद सी, और ये आपको पता है सी के साथ कनेक्टेड होती हैं, और सी का जो वाटर है वो आपका, सी जो वाटर है वो 97% वाटर सॉल्टी वाटर है। सॉल्टी वाटर कैसे होता है, जो बहुत सारी रिवर्स जब मर्ज हो जाती हैं, रिवर्स अपने साथ क्या लेके आती हैं, मिनरल्स और साल्ट लेके आती हैं, और जिसकी वजह से क्या है, हर साल वहाँ पे जो रिवर्स में क्या होता है, बहुत ज़्यादा क्या होता है, नमक इकट्ठा होता है। कुछ रिवर्स जो है सॉल्टी वाटर होती हैं, जैसे कि सांभर लेक है, चिल्का लेक है, जो क्या है आपकी सॉल्टी वाटर लेकर हैं, लेक हैं। एंड लेगून्स आर ए शेलो बॉडी ऑफ वाटर सेपरेटेड फ्रॉम ए लार्जर बॉडी ऑफ रिवर बाय बैरियर आइलैंड्स। जो क्या है बैरियर आइलैंड, जो क्या है कोराल के द्वारा बनाए गए जाते हैं। तो आपने पढ़ा था लास्ट चैप्टर में भी कि बैरी जो हैं कोराल हैं, जो छोटे छोटे क्या होते हैं समुद्र में रहने वाले छोटे जो जीव हैं, और वो क्या हैं कैल्शियम कार्बोनेट छोड़ते हैं, कैल्शियम कार्बोनेट वहाँ पे एक्यूमुलेट होने की वजह से वहाँ पे एक आइलैंड्स बन जाता है, और जिसको बोलते हैं बैरियर आइलैंड्स। तो सी के बीच में एक बैरियर आइलैंड बनने की वजह से, या वहाँ पे क्या है लैंड, वहाँ पे क्या है सॉयल इरोजन होने की वजह से, सॉयल वहाँ पे इकट्ठी होने की वजह से वहाँ से कुछ पार्ट क्या हो जाता है आपका, वहाँ से कुछ मेन जो सी से है कुछ पार्ट क्या होता है बिल्कुल अलग हो जाता है, उसको बोलते हैं लेगून्स। और लेगून्स के द्वारा जो लेक्स बनाई गई हैं वो हैं चिल्का लेक, पुलिकट लेक एंड कोलूरू लेक, एंड दीज लेक्स आर लेगून फॉर्म्ड लेक। एन एग्जाम्पल्स आर चिल्का लेक, पुलिकट लेक एंड कोलूरू लेक। ओके, देखिए बेटा जब आपका सी है, सी का एरिया बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है, और लेगून्स क्या होते हैं वहाँ पे बैरियर आइलैंड बनने की वजह से, बैरियर आइलैंड बनने की वजह से, या क्या है वहाँ पे लैंड का, वहाँ पे क्या है सॉइल इकट्ठी होने की वजह से कुछ पार्ट जो मेन रिवर से या मेन उससे सी से अलग हो जाता है, और जो ये वाटर जो इसमें लेगून्स में जो ये पानी होता है वो सॉल्टी वाटर होता है, और उसके सॉल्टी वाटर होने की वजह से जो लेक्स बनी उनका नाम है चिल्का लेक, पुलिकट लेक एंड कोलूरू लेक। इनलैंड ड्रेनेज बेसिन। इनलैंड मीन्स अपने ही, इनलैंड यानी कि अपने ही भारत में जो भी, जो हम अपने ही एरिया में जो अपने इनलैंड ड्रेनेज बेसिन, यानी जो एक एरिया के अंदर जो बनाए जाते हैं, यानी अपने इंडिया में जो बने हुए हैं वो हैं, दे आर फॉर्म ड्यू टू द ड्रेनेज ऑफ रिवर वाटर, जो कि पानी की वजह से जो लेक्स बने उसको होते हैं सांभर लेक। जो अपने जो सांभर लेक है जो मोस्टली ये सीजनल होते हैं, और जैसे कि सांभर लेक, जैसे राजस्थान में क्या है सांभर लेक है, जो क्या होती हैं सीजनल होती हैं, जो क्या है बारिश आने की वजह से इनमें क्या रहता है पानी रहता है, अदरवाइज ये क्या होती हैं खाली हो जाती हैं, एंड मोस्ट ऑफ टाइम दे आर साल्टी। और जो सांभर लेक है ये मोस्टली सॉल्टी वाटर होता है इसमें,
एंड अपार्ट फ्रॉम दिस नेचुरल लेक्स विच आर कंस्ट्रक्टेड बाय, उसके अलावा नेचुरल लेक्स के अलावा और भी बहुत सारी लेक्स होती हैं जो मनुष्य के द्वारा या ह्यूमन बींग्स के द्वारा बनाए, उसको बोलते हैं आर्टिफिशियल लेक्स। जैसे हम कोई भी जमीन को हम अगर वहाँ पे क्या है मिट्टी को हटा के वहाँ पे पानी इकट्ठा करते हैं तो तालाब बना दे तो वो क्या आर्टिफिशियल लेक्स हैं। तो कुछ लेक्स हैं आपकी मैनमेड होती हैं, कुछ क्या होती है नेचुरल होती हैं, तो इनको बोलते हैं इनलैंड ड्रेनेज बेसिन। इनलैंड ड्रेनेज बेसिन मीन सीजनल लेक एंड सांभर लेक इज सीजनल एंड सांभर लेक इज सॉल्टी वाटर लेक। सो दीज आर फोर टाइप्स ऑफ लेक्स, ग्लेशियर लेक्स, ऑक्सबो लेक, लैगून्स लेक्स एंड इनलैंड ड्रेनेज बेसिन। एंड नेक्स्ट इंपॉर्टेंस ऑफ रिवर, इट एज एन इम्पॉर्टेंट सोर्सेज ऑफ नेचुरल फ्रेश वाटर। रिवर से हमें क्या मिलता है नेचुरल फ्रेश वाटर मिलता है। एंड रिवर वाटर इज यूज फॉर वेरियस पर्पज लाइक डोमेस्टिक इंडस्ट्रियल एंड एग्रीकल्चर। विद द हेल्प ऑफ वाटर वी कैन मेंटेन, वी कैन जनरेट इलेक्ट्रिसिटी, वी कैन यूज वाटर इन इंडस्ट्रियल एंड वी कैन डू एग्रीकल्चर विद द हेल्प ऑफ रिवर वाटर। एंड इट इज़ यूज फॉर ट्रेड एंड कॉमर्स बाय हेल्पिंग इन द इजी ट्रांसफर गुड्स एंड इट इज़ यूज इन हाइड्रो पावर जनरेशन एंड इट इज़ यूज नेविगेशन एंड ट्रांसपोर्ट। इट आल्सो प्रोवाइड्स फिशिंग एंड एनहांसिंग टूरिज्म। स्टूडेंट रिवर्स की वजह से एक तो क्या है ट्रेड और कॉमर्स यानी एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट करना ईजी हो जाता है, इसकी हेल्प से हम क्या कर सकते हैं ईजी ट्रांसपोर्ट और गुड्स है, क्योंकि शिप जो ट्रांसपोर्ट है वो क्या है बहुत ही चीपेस्ट ट्रांसपोर्ट मोड ऑफ गुड्स है जिसके और जिसके रिवर्स के वाटर से हम क्या हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर सकते हैं, नेविगेशन में हेल्प करता है, ट्रांसपोर्ट में हेल्प करता है और इसी की वजह से पीसी कल्चर कर सकते हैं। रिवर्स में क्या होती हैं फिश होती हैं, फिश की वजह से वहाँ पे क्या है फिश को फिशिंग कर सकते हैं, पीसी कल्चर को मोटिवेट किया जा सकता है और क्या है एनहांसिंग टूरिज्म। और क्या है रिवर्स की वजह से बहुत सारे जो क्या है टूरिस्ट भी घूमने फिरने के लिए आते हैं एंड दे अट्रैक्ट एंड दे आर सोर्सेज फॉर अट्रैक्शन फॉर द टूरिस्ट एंड दे आर यूज टू फॉर बोटिंग एंड फिशिंग एंड दे कैन बी यूज टू प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी। इट इज़ यूज फॉर नेविगेशन एंड ट्रांसपोर्ट एंड शिप ट्रांसपोर्ट इज द चीपेस्ट ट्रांसपोर्ट मोड। ओके तो दीज आर द फीचर्स ऑफ दीज आर द इम्पोर्टेंस ऑफ रिवर इन इंडियन इकोनॉमी। बस स्टूडेंट रिवर पॉल्यूशन मीन्स फर्स्ट द ग्रोइंग डोमेस्टिक एंड म्युनिसिपल इंडस्ट्रियल एंड एग्रीकल्चर डिमांड फॉर वाटर फ्रॉम रिवर नेचुरली अफेक्ट द क्वालिटी ऑफ वाटर। स्टूडेंट एक तो क्या रिवर पॉल्यूशन बहुत ज़्यादा हो गया, आपको पता है पॉल्यूशन फोर टाइप्स का होता है वाटर सॉयल नॉइज वाट एंड एयर पॉल्यूशन, और जिसकी वजह से क्या है जो रिवर हैं वो भी बहुत ज़्यादा पॉल्यूटेड हो गई हैं। ज़्यादा डोमेस्टिक म्युनिसिपल इंडस्ट्रियल एग्रीकल्चर डिमांड होने की वजह से ओवर पॉपुलेशन होने की वजह से इनकी डिमांड बहुत ज़्यादा क्या होगी बढ़ गई है, जिसकी वजह से जो रिवर्स की जो क्वालिटी है उस पर बहुत ज़्यादा इफेक्ट हुआ है। एज ए रिजल्ट मोर एंड मोर वाटर इज ड्रेन आउट द रिवर, जिसकी अपने डिमांड को पूरा करने के रिवर से बहुत सारा पानी क्या होता है यूज़ किया जाता है, जिसकी वजह से जो रिवर्स में पानी क्या हो रहा है अब लगातार कम होता जा रहा है। बहुत सारी जो रिवर्स है वो क्या होती हैं खाली भी होती जा रही हैं, जिसकी वजह से क्या है हमारे जो आसपास जो एरिया है उसमें पानी की बहुत ज़्यादा कमी हो रही है, क्योंकि एग्रीकल्चर डिमांड है, एग्रीकल्चर में बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है, इरीगेशन में इंडस्ट्रियल में यूज़ किया जाता है, पावर को जनरेट करने के लिए यूज़ किया जाता है, डोमेस्टिक यूज़ में बहुत ज़्यादा पानी क्या है वेस्ट किया जाता है, जिसकी वजह से जो रिवर के जो वाटर की जो क्वालिटी है बहुत ज़्यादा डिक्रीज हो रही है। एंड अनट्रीटेड सीवेज वाटर एंड इंडस्ट्रियल वेस्टेड एंड पुट इनटू रिवर्स। अनट्रीटेड सीवेज वाटर जो इंडस्ट्रियल का जो वेस्टेज है और जो वाटर है सीवेज वाटर है यानी उनका जो वेस्टेज वाटर है, और काफ़ी सारे जो लोग हैं वो अपने घर का जो क्या है अपना गंदा घर का जो वेस्टेज है वो भी क्या करते हैं उसमें रिवर्स में फ्लो इंडस्ट्री में रिवर्स में थ्रो कर देते हैं, जिसकी वजह से रिवर का जो वाटर है बहुत ज़्यादा क्या हो गया है खराब हो चुका है। एंड दिस अफेक्ट नॉट ऑन द क्वालिटी ऑफ वाटर बट आल्सो सेल्फ क्लीनिंग कैपेसिटी ऑफ द रिवर, और जिसकी वजह से जो रिवर्स की जो क्लीनिंग कैपेसिटी वो भी क्या हो गई कम हो गई है। और आपको पता है गंगा का जो रिवर है वो बहुत ज़्यादा क्या हो गया पॉल्यूटेड हो चुका है, क्योंकि उसमें क्या है
अनट्रीटेड सीवेज वाटर को इंक्लूड किया जाता है, इंडस्ट्रियल वेस्टेज में किया जाता है, और जो डोमेस्टिक वेस्टेज भी क्या है लोग अपना क्या है रिवर्स में क्या थ्रो करते हैं, जिसकी वजह से रिवर की जो वाटर उसकी क्वालिटी बहुत ज़्यादा डाउन हो गई है। एंड अर्बनाइजेशन एंड इंडस्ट्रियलाइजेशन हैज़ इंक्रीज द पॉल्यूशन लेवल द रिवर। रिवर का जो वाटर है बहुत ज़्यादा पॉल्यूशन, क्योंकि अर्बनाइजेशन हो गया, अर्बनाइजेशन की वजह से लोग क्या है गाँव से शहर की तरफ जा रहे हैं, और शहर की तरफ जाने की वजह से ज़्यादा रिवर ज़्यादा पानी की डिमांड की वजह से ज़्यादा, जैसे आप देखिए एसी फ्रिज वगैरह इनकी क्या है ज़्यादा डिमांड की जाती है, कूलर वगैरह की ज़्यादा डिमांड है, और फैक्ट्री वगैरह की ज़्यादा डिमांड, ज़्यादा इंडस्ट्री लगाए जाने की वजह से इंडस्ट्री में बहुत ज़्यादा क्या है पानी का यूज़ किया जाता है, जिससे क्या है अर्बनाइजेशन एंड इंडस्ट्रियलाइजेशन की वजह से जो रिवर्स का जो पॉल्यूशन लेवल है बहुत ज़्यादा क्या हो गया इंक्रीज़ हो गया है। और इंक्रीज़ होने की वजह से जो रिवर्स की जो क्वालिटी है, जो रिवर्स का जो वाटर वॉल्यूम वो बहुत ज़्यादा क्या हो गया कम हो गया, लोग अपने घर का वेस्टेज उसमें डाल देते हैं, इससे क्या है रिवर की जो क्वालिटी है जैसे गंगा रिवर है इंडिया से बहुत ज़्यादा क्या हो गया पॉल्यूटेड हो चुकी है। एंड नेक्स्ट नेशनल रिवर कंजर्वेशन प्लान। तो गवर्नमेंट ने रिवर्स को कंजर्व करने के लिए, रिवर्स को क्लीन करने के लिए प्रोग्राम लॉन्च किए हैं, और उस प्रोग्राम का नाम है नेशनल रिवर कंजर्वेशन प्लान, एंड इट वाज लॉन्च्ड इन 1995, एंड इट्स मेन एम टू इम्प्रूव द वाटर क्वालिटी ऑफ द रिवर। इसका मेन एम है कि जो रिवर्स की, रिवर्स को क्या करना, साफ रखना, उनके जो क्वालिटी है वाटर की उसको और भी ज़्यादा इम्प्रूव करना। इसी के लिए क्या है गंगा एक्शन प्लान हैज़ बीन मर्ज, और इसी के साथ क्या है गंगा एक्शन प्लान GAP को भी इसके साथ मर्ज किया गया है, ताकि क्या है गंगा बचाओ, गंगा को साफ करने का जो प्लान बनाया गया वो भी NRCP के साथ मर्ज किया गया, जिनका मेन पर्पस है रिवर्स को क्या करना साफ करना, और क्वालिटी जो वाटर की जो क्वालिटी उसको इम्प्रूव करना, ताकि क्या है सभी लोगों को क्या है अच्छा पानी प्रोवाइड किया जा सके। So these are the features of National River Conservation Plan. Okay, student and student, today your homework solution. First, name any two peninsular river which flow through the Rift Valley. Answer is the Narmada and the Tapi. And the question number second, which river is known as the Dakshin Ganga? State any two correct state of it. Answer, the Godavari River is known as the Dakshin Ganga. And feature of Godavari River, it is the largest peninsular river. The length is about 1500 kilometer, and the basin covers the parts of Maharashtra, Madhya Pradesh, Odisha, and Andhra Pradesh. Fourth, its tributaries are the Purna, Vardha, and One Ganga and Pan Ganga. Question number third: from which place river Kaveri originate, and at which place it merges? Answer is the Kaveri rises in Brahmagiri range of the Western Ghat, and it reaches the Bay of Bengal in south of Kudaluru in Tamil Nadu. Question number 4. Write any three features of Kaveri River. Answer is the length of the river is about 760 km. Second, it rises in the Brahmagiri range of the Western Ghat and it reaches the Bay of Bengal. And third, it basin drains part of Karnataka, Kerala and Tamil Nadu. And write the feature Krishna River, and the length of the river is about 1400 kilometers. Second, it rises from a spring near Mahableshwar. Its tributaries are the Tugbandra, the Koyna, and the Bhima. And the basin of the river Krishna is shared by Maharashtra, Karnataka, and Andhra Pradesh. And student, today your homework. And this is the exercise question. Question number first: which one of the following describe the drainage pattern resembling the branches of a tree? Radial, centrifugal, dendritic, and trellis. Question number second: in which of the following state is the Wooler Lake located? Rajasthan, Uttar Pradesh, Punjab, and Jammu Kashmir. Question number third: the river Narmada has its sources at Satpura, Brahmagiri, Amarkantaka, and slope of the Western Ghat. Question number 4. Which one of the following lake is a salt water lake? Sambar Lake, Dal Lake, Wooler Lake, and Gobind Sagar. And fourth, which one of the following is the longest river of the peninsular river? Answer is Narmada. First option is Narmada. Second, Godavari, Tugbandra, and Mahanadi. Fourth, which one amongst the following river flow through a rift valley? Mahanadi, Tugbandra, Krishna, and Tapi. Question number second, where do the river Indus and Ganga have their origin? Question number third, name the two head stream of Ganga, where do they meet to form the Ganga? Question number fourth, why does the Brahmaputra in its Tibetan part have less silt?
despite a longer course. Question number 5th. Compare the east flowing and west flowing river of the peninsula plateau. Question number 6. Classify the lakes of India under two categories, natural and man-made. Classify into two groups, natural and man-made. Bula, Dal, Nainital, Bhimta, Gobind Sagar, Loktak, Barapani, Chilka, Sambar, Rana Pratap Sagar, Nijam Sagar, Pulikat, Nagarjun Sagar and Hira Kund. Student, all question done in your fair note. Thank you.